नमस्ते सभी को। हिंदी में हम चर्चा शुरू करते हैं। अभ्यास दो के स्टेप सिक्स पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में पहले स्टेप में हमने स्वयं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया और ये दिखता है कि कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है, इसमें सिर्फ सूचना का ही आदान प्रदान है। स्टेप थ्री में हमने ये देखा कि जो भी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय मेरा है, शरीर का नहीं, किसी अन्य वस्तु का नहीं, मेरा ही निर्णय है। स्टेप फोर में हमने स्वयं और संवेदना के बीच की दूरी को देखा, तो उससे मेरे और शरीर के बीच की दूरी भी स्पष्ट होती है। देखता है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, संवेदना में नहीं हूँ, संवेदना मुझ में नहीं बल्कि मुझसे दूर है, मुझसे बाहर है, और मैं उसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ। फिर स्टेप फाइव में हमने ये देखना शुरू किया कि किस प्रकार के संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ। तो तीन स्रोत दिखाई देते हैं, दूसरे मनुष्य का व्यवहार, शरीर के बाहर होने वाली बहुत रासायनिक घटनाएं और शरीर में होने वाली घटनाएं, और इन तीनों को मैं संवेदना के रूप में पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार समय अनुसार। फिर ये भी हमने देखा कि मैं यहाँ रुकता नहीं हूँ, पढ़ने के बाद मैं उसको कोई अर्थ देता हूँ, और जो मैं अर्थ देता हूँ वो मेरे संस्कार से जुड़ा होता है। जैसा मेरा संस्कार है, संस्कार मतलब जो भी मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति है, जो मेरी स्वीकृतियाँ हैं जिसके आधार पर कल्पनाशीलता चल रही है, मेरे भाव हैं, विचार हैं, उन सबसे जोड़कर मैं उसको अर्थ देता हूँ। सूचना वही रहती है परंतु अपनी कल्पनाशीलता की स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार से अर्थ दे सकता हूँ। वही ध्वनि है, वही स्पर्श है, वही गंध है, वही रूप है ना, परंतु मेरा अर्थ बदल जाता है मेरे संस्कारों के आधार पर। तो जैसा मैं अर्थ देता हूँ उसके अनुसार मैं प्रतिक्रिया करता हूँ या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, और स्वयं में उससे मेरा भाव विचार तय होता है, और फिर मैं निर्णय लेता हूँ कि शरीर तक संकेत देना है कि नहीं। अगर आवश्यक लगता है तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ, फिर मैं जैसा संकेत देता हूँ शरीर वैसा निर्वाह करता है। इस बात को हम बारीकी से स्टेप फाइव में देखते रहे, और स्टेप फाइव में अगर आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है पूरे अभ्यास दो का, कि किस तरह से मैं संवेदना को पढ़ता हूँ, किस तरह से मैं अर्थ देता हूँ, किस तरह से मैं प्रतिक्रिया करता हूँ या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, फिर कैसे मैं संकेत देता हूँ। इस बात को हम, इस अभ्यास को हम बनाए रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। इसको इत्मीनान से बैठ के देखिए, एक एक स्टेप को देखिए कि कैसे मैंने अर्थ दिया, कैसे मैंने निर्वाह किया, उसके आधार पर मेरे अंदर भाव क्या बना, प्रतिक्रिया हुई या जिम्मेदारी का भाव बना। फिर उसी की आगे चलकर हमने स्टेप सिक्स में अब ये देखना शुरू किया है कि मेरा जीना कैसा है, प्रतिक्रिया पूर्वक है या जिम्मेदारी पूर्वक है। तो जो हमने अभ्यास किया स्टेप फाइव में उसी को अब एक्सप्रेशन में देखा है। तो सिक्स ए में प्रतिक्रिया पूर्वक जीने को हमने देखा कि मैं कैसे प्रभावित होता हूँ और फिर मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूँ। सिक्स बी में जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह वाले भाग को देखा। तो सिक्स ए में जो बात कही जा रही है, बाहर कोई घटना है, दूसरे का व्यवहार कर उसका शरीर में प्रभाव होता है, जिससे संवेदना उत्पन्न होती है, वैसे शरीर में कोई घटना हो रही है उससे भी संवेदना उत्पन्न हो रही है, मैं उस संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ और अपने संस्कार जो मान्यता आधारित है इसके साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। फिर संवेदना को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटना, दूसरे का व्यवहार कार्य, उसका आकलन करता हूँ। अब इस क्रम को देखिए तो दूसरे का कोई व्यवहार है या कोई कार्य है, कोई क्रिया हो रही है उसमें, कोई ध्वनि है ना, उस ध्वनि से शब्द बने हैं, शब्द को मैं कोई अर्थ देता हूँ। इससे दूसरे के व्यवहार कार्य के बारे में, उसके भाव के बारे में मेरा एक आकलन बनता है। जैसे अभी देखें बोलचाल में कई बार उत्तर भारत में एक यार शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब मित्र आपको यार कहे तो दूसरे का व्यवहार हुआ यार,
ना एक ध्वनि उत्पन्न हुई, तो ध्वनि से एक शब्द बना, उसको आपने एक अर्थ दिया। तो यार मतलब कोई मित्रवत संबंध का संबोधन है। फिर इससे आपके दूसरे के भाव के बारे में आकलन हुआ, यार कह रहा है यानी मुझे मित्र मानता है, मुझे स्वीकारता है। वही आप टीचर हैं और स्टूडेंट आपको यार कहे ठीक, वही ध्वनि है, वही शब्द है, अर्थ बदल गया। ये स्टूडेंट होकर मुझे यार क्यों कह रहा है? और ठीक ही बात है, क्यों यार कहेगा? मित्र मित्र संबंध नहीं है वहां, तो गुरुषि से संबंध है। मित्र मित्र संबंध में तो ये ठीक है, मित्र मित्र को यार कहे ठीक है। उसमें भी ये देख लें कि उस यार शब्द से अर्थ क्या दिया जा रहा है। उसमें स्नेह का भाव है या कोई आवेश है? अगर आवेश है तो वहां भी स्वागत नहीं करेंगे, है तो कर सकते हैं, है ना। ये भी देखना होगा कि उस शब्द से बाहर जो दूसरे संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सामने स्टूडेंट्स हैं और कोई टीचर किसी टीचर को आके यार कहे तो भी ठीक नहीं है तो अभी आप देखिए, ध्वनि वही है, शब्द वही है, कैसे अर्थ बदलते हैं हमारे। और जो मैं अर्थ देता हूँ उसमें फिर पूरे वातावरण को, परिस्थिति को जोड़ कर देता हूँ, और उस वातावरण में, उस परिस्थिति में कैसा निर्वाह करना उचित है, कैसा अनुचित है, उसके अनुसार मैं अर्थ देता हूँ, ठीक है ना। उसमें मेरा अपना संस्कार जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके बारे में फिर आकलन करता हूँ। तो मित्र यार कह रहा है एक बात है, स्टूडेंट यार कह रहा है दूसरी बात है, मित्र स्टूडेंट्स के सामने यार कह रहा है तीसरी बात है। तो ध्वनि वही, शब्द वही, अर्थ बदलते जा रहे हैं। इसी चीज को बाहर किसी बहुत आसानी घटना के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, संवेदना उत्पन्न हो रही है, उस घटना के बारे में मेरा अपना एक आकलन बन रहा है। वैसे शरीर में जो क्रिया हो रही है उसको भी हम इसी प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे मैं उसका आकलन करता हूँ। वैसे शरीर में कोई स्थिति होती है उसका मैं आकलन करता हूँ, तो कोई घटना हो रही है उससे संवेदना उत्पन्न हो रही है, फिर उसके द्वारा शरीर में, है ना, मेरा आकलन हो रहा है, शरीर के बारे में मेरा आकलन हो रहा है। फिर उस आकलन के आधार पर मैं उससे या तो प्रभावित होता हूँ, है ना, और प्रभावित होता हूँ तो फिर मैं अपने भाव विचार को बनाता हूँ या बिगाड़ता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, और फिर मैं प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। तो इन तीनों चीजों को देखें, है ना, किस तरह से हम अर्थ देते हैं। फिर उस पे जो मैं अर्थ दे रहा हूँ, वहां जो मेरा संस्कार बना हुआ है उस पे ठीक से ध्यान जाएगा, और फिर उसका मैं आकलन कर पाऊंगा, फिर उसमें परिमार्जन के लिए काम कर पाऊंगा। तो दूसरे के व्यवहार का मैंने एक उदाहरण दिया, वैसे कोई बहुत रासायनिक घटना हो रही है, टीवी है, क्रिकेट मैच चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आप उसे अर्थ देते हैं। एक व्यक्ति ने एक लंबे से, है ना, बैट से एक बॉल को उछाल के मारा और बॉल बाउंड्री के बाहर चला गया, ठीक। अब उसको आप दृश्य के रूप में देख रहे हैं, अब आप अगर उसको अपना संबंधी मानते हैं तो आप एक तरह से प्रभावित होते हैं, विरोधी मानते हैं अलग तरह से प्रभावित होते हैं। तो उस घटना के बारे में मैं आकलन करता हूँ। वैसे शरीर में देखें तो शरीर में कहीं चुभन हो रही है, अगर मैं निर्णय पूर्वक जाता हूँ भाई ये चुभन हो, जैसे अभी आज के दिन देखिए तो लोग पियर्सिंग कराते हैं बॉडी में, टैटू कराते हैं, है ना, तो उसे चुभन तो होती है, शरीर में कोई घटना हो रही है। खैर यहाँ भी देखें तो ये बाहर का कोई प्रभाव है, कोई और दूसरी उदाहरण ले सकते हैं कि पैरों में कहीं ना चुभन हो रही है अपने आप में, फिर उसको मैं कोई अर्थ देता हूँ, संवेदना को पढ़ता हूँ, उसके बारे में मैं अपना एक आकलन करता हूँ। या सिर में भारीपन है, रक्तचाप बढ़ा हुआ है, उन सबको मैं अर्थ देता हूँ। तो अगर मान्यता आधारित है तो मैं प्रभावित होता ही हूँ और मैं प्रतिक्रिया करता ही हूँ। प्रभावित मैं उसके फेवर में हूँ या अगेंस्ट हूँ, अल्टीमेटली है तो वो प्रभावित होना ही, और फिर मैं उसके द्वारा प्रतिक्रिया करता हूँ, चाहे फेवर में करूँ या अगेंस्ट करूँ, तो दोनों ही प्रतिक्रिया है। तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बारे में कि मान्यता आधारित जीते हुए हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया पूर्व जीते हैं, कैसे परतंत्र होते हैं, कैसे बाहर की घटनाएं और शरीर को भी बाहर कह रहे हैं, शरीर भी मुझसे बाहर है, कैसे बाहर की घटनाएं मेरे जीने को प्रभावित करती हैं।
इस बात को अगर हम देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न हो तो यहाँ रख सकते हैं। कल दिन भर के अभ्यास से, दिन भर के ऑब्जर्वेशन से, अब ऐसा हो सकता है कि हम अलग से बैठ के 4 घंटे पे न कर रहे हो, परंतु मुझे आशा है कि इतनी सजगता हमारी बन गई होगी कि अब हम बेहोशी में तो कोई हरकत नहीं कर रहे होंगे। जो भी हरकत कर रहे होंगे शरीर से, उसमें जरूर अपना ध्यान जा रहा होगा कि कैसे मैंने संकेत दिया, कैसे मैंने संवेदना को पढ़ा। तो ये प्रतिक्रिया पूर्वक जीने का आकलन है। तो आप पाएंगे कि जब तक मुझमें सही भाव स्थापित नहीं होता, सही समझ स्थापित नहीं होता, किसी न किसी रूप में मैं प्रतिक्रिया तो करता ही रहता हूँ। प्रति मतलब उल्टा, तो बाहर से जो किया उसके उल्टा हमने कुछ किया, उसके फेवर में किया चाहे उसके अगेंस्ट किया, बट करता ही रहता हूँ। और मेरा आकलन हिलता डुलता रहता है बाहर की घटनाओं के बारे में, मैं प्रभावित होता रहता हूँ। जी, इतनी बात को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए। समझ आधारित संस्कार होता है तो जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, समझ आधारित संस्कार होता है तो जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, स्वतंत्र होता हूँ। तो बाहर की कोई घटना है, दूसरे का कोई व्यवहार है, कार्य है, शरीर में प्रभाव पड़ता है, संवेदना उत्पन्न होती है। वैसे शरीर में कोई घटना है उससे भी संवेदना उत्पन्न होती है। अभी भी मैं उसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ जैसे मैं पहले करता था, अपने संस्कार के साथ जोड़कर मैं उसको अर्थ देता हूँ, परंतु अब मैं अपने स्वभाव में बने रहते हुए स्वयं में सुखी रहता हूँ। और मेरा जो संस्कार है वो समझदारी है कि मेरा भाव निश्चित बना रहता है। अब वही शब्द मेरे सामने आता है, किसी ने यार कहा, ठीक, न तो मैं उससे आवेशित हो जाता हूँ, उत्साहित हो जाता हूँ, हाँ बहुत घनिष्ठ मित्र आ गया, और ना मैं उससे आहत हो जाता हूँ, बल्कि मैं इसके आधार पर आकलन करता हूँ। तो अगर स्नेह का भाव दिख रहा है अगले व्यक्ति में, उसका आकलन करूंगा, उसके साथ स्नेह के भाव साथ प्रस्तुत होऊंगा। अगर दूसरे में स्नेह का भाव नहीं दिख रहा, कहीं लूजनेस दिख रही है, स्टूडेंट यार कह रहा है, तो भी मेरे अंदर स्नेह का भाव बना रहता है और मैं उसकी योग्यता का आकलन करता हूँ। अगर स्टूडेंट सामने भी कई कोई मित्र कह रहा है तो भी मैं उसका आकलन करता हूँ। अब ये जो आकलन मैं करता हूँ ये सही भाव के अर्थ में करता हूँ, सही समझ के आधार पर करता हूँ। वैसे कोई बाहर के भौतिक रासायनिक घटना है, जो उदाहरण लिया लोगों ने, कोई मैच चल रहा है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई ध्वनि है, कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है, कोई म्यूजिक बज रहा है, या शरीर में कोई घटना हो रही है, अब मैं उसको ठीक ठीक आकलन करता हूँ और उस आकलन के आधार पर मैं पूरकता का निर्वाह करता हूँ। बिना प्रभावित हुए मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। भाई, जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होने का मतलब कि जब मैं जिम्मेदार होता हूँ तो अपनी भागीदारी को मैं पूरी मानवीय परंपरा तक देख पाता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरी बात है कि अभी हम सामयिक रूप से जो निर्णय लेते रहते हैं और हमारी दृष्टि मानवीय परंपरा तक नहीं जाती, व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था तक नहीं जाती, तो मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हो भी नहीं पाता हूँ। तो हम किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो मेरा जो निर्णय है सिर्फ कॉलेज की व्यवस्था को लेकर नहीं है, उस कॉलेज की जो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है उसको लेकर भी है, और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परंपरा बनेगी उसको लेकर भी है। ये जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होना हुआ। तो प्रतिक्रिया पूर्वक हम ना जिए है ना, ये निर्णय तो मैं कर पाता हूँ, बट जिम्मेदारी पूर्वक कैसे जिए इसके लिए अपने आप में काफी जांच परख की जरूरत है। वैसे मैं घर में कोई काम कर रहा हूँ, मैं भोजन भी बना रहा हूँ, मैं अपना टॉयलेट भी क्लीन कर रहा हूँ, तो जिम्मेदारी पूर्वक जीते हुए मैं उसका ठीक ठीक आकलन कर पाता हूँ। तो अगर एक छोटे से दायरे में देखेंगे तो मेरा भाव बदलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, विचार हिलता डुलता रहता है ना। टॉयलेट क्लीन करना है, अगर मैं सिर्फ उस दायरे में देखूँ तो मुझे लगता है मैं क्यों क्लीन कर रहा हूँ, अगला व्यक्ति क्यों नहीं क्लीन कर रहा। बट आप इसको फैला कर देखिए कि अगर हम इस बात को तय कर देते हैं कि एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति है जो टॉयलेट क्लीन करेगा, एक ही समाज का वर्ग है जो टॉयलेट क्लीन करेगा, है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का बच्चा क्लीन करेगा टॉयलेट, तो क्या समाज में भेद नहीं रहेगा? फिर ये है ना, भेदभाव तो बना ही रहेगा, फिर ये संघर्ष होता ही रहेगा,
जातीयता बनी ही रहेगी। अब अगर मैं टॉयलेट क्लीन करने जाता हूँ तो मैं पूरी मानवीय दृष्टि के साथ देखता हूँ उसको, सिर्फ इतना नहीं देखता हूँ कि एक टॉयलेट है जो क्लीन करना है और मुझे कहना है, मुझे करना है। अब मैं उसको पूरा विचार करता हूँ उस टॉयलेट को क्लीन करते हुए भी, तो अगर मैं टॉयलेट क्लीन कर रहा हूँ तो मैं पूरी मानवीय परंपरा के लिए भागीदारी कर रहा हूँ। तो आज मैं कर लूँ, कल कोई दूसरा कर ले, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और क्लीन करना कोई अपमानजनक काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने उसको अपमानजनक काम कहा, और किसी न किसी को तो करना ही है, ठीक। तो जो भी इस अपमानजनक को पीढ़ी दर पीढ़ी करेगा उसका सम्मान कैसे सुनिश्चित होगा? फिर भेद तो बना ही रहेगा, संघर्ष बना ही रहेगा। अब उसको आप फैला के देखिए, अपने आप में दिखेगा आपको कि परंपरा में जो इतना सारा संघर्ष हुआ, जो जातीय संघर्ष हुआ है ना, सामुदायिक संघर्ष हुआ, तो बहुत सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ है। तो जब मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, तो मैं इतनी गहराई में, इतने विस्तार में जाकर चीजों को देखता हूँ। जैसे मेरे अभी माली का बेटा अजीब थोड़ा बार बार गिर रहा है, वो हो रहा है, उन लोग बोल रहे हैं, माली बोल रहा है कि शैतान घुस गया है, ये सब कल पैसा मांगने आया था। तो मैं तो बोली कि दिमाग का डॉक्टर दिखाना है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो उन लोग बोल, लेकिन वो एक है, लेकिन यहाँ जो ग्रुप्स में लोगों को लोग दिखाई देते हैं कि अजीब सी हरकतें करते शरीर के साथ, वो कैसे, क्या कैसे देखो भैया? देखिए, वो तो लोग ऐसे भी हरकतें करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। अब यहाँ देखिए, रॉक म्यूजिक बजने लगता है और लड़के लड़कियां कैसी हरकतें करने लगते हैं तो कोई नई घटना तो नहीं है, है ना? तो ऐसी हरकतें तो लोग करते ही रहते हैं, वही वहां पे भी कर रहे हैं। तो ये अंदर में जो भाव है ना, जो पीड़ा है, जो दुख है, वो जब उभर कर सामने आता है तो लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं। तो ये एक, मतलब देखें तो हमारे परंपरा में एक तंत्र साधना भी रही है, जिसमें बहुत सारे तरीकों से हम दूसरे व्यक्ति के सेल्फ को प्रभावित कर पाते हैं। तो उससे अगर दूसरे की पीड़ा राहत हो रही है तो बहुत उपकारी बात है, अच्छी बात है। नहीं हो पा रही तो कोई और विधि सोचेंगे, किसी की समस्या सुलझ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुलझ रही दूसरी विधि सोचेंगे। तो अल्टीमेटली देखें तो मनुष्य निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है। निरंतर सुखपूर्वक नहीं जी पाता तो सामयिक रूप से सुखपूर्वक जीने का प्रयास करता है, सामयिक रूप से भी नहीं जी पाता तो दुख से निकलने के लिए प्रयास करता रहता है। तो उस क्रम में है ना, जब वो दुख से निकल रहा होता है तो अंदर में जो पीड़ा है, भय है, शंका है, विरोध है ना, ग्लानि है, ये सारा कुछ बाहर निकलता है। तो उस समय जो शरीर को संकेत मिलते हैं उसी प्रकार से मिलते हैं। तो हम अगर आवेश में आते हैं है ना, तो भी एक प्रकार से दिखाई देता है, जो पीड़ा में आते हैं तो भी एक प्रकार से दिखाई देता है। तो ये तो हो ही सकता है। तो भैया क्या इसको एक ये वैलिड वो माने कि मतलब ऐसा चीखते चिल्लाते हैं, फिर कोई कुछ कर देता है, थोड़ा मंत्र की कुछ कर देता है और ठीक हो जाते हैं? तो ऐसे थोड़ा साइंटिफिक तो लगता नहीं है देखिए, अभी जो कि ठीक साइंटिफिक भी। लगता है उसमें तो साइंस क्या है, अभी तो हम लोगों ने कई बार से बात किया ना कि साइंस का तो डोमेन बहुत लिमिटेड है। चैतन्य की तो समझ है नहीं साइंस में, सिर्फ जड़ की बात करता है और जड़ द्वारा जड़ को प्रभावित करने के तरीके बताता है, जड़ द्वारा लेकिन यहाँ चैतन्य तो को। हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होके उन लोग क्वाइट हो गए, ऐसा तो नहीं है उन लोग वो समझ। अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी है ना इस विधि से। अंडरस्टैंडिंग तो आपके स्वयं में जांच परख से शुद्ध दृष्टा भाव में जाकर होगा, परंतु पीड़ा की राहत हो सकती है। देखिए, अभी भी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तो हम बहुत तरीके से प्रयास करते ही रहते हैं, तो उसमें एक विधि ये भी है कि है ना, अगर कारगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दूसरा काम करेंगे, कोई दूसरा तरीके से प्रयास करेंगे। तो अल्टीमेटली देखें तो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति से गुजर रहा है वो अपने आप में दुख में है ना, और निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता है, तो दुख से मुक्ति के लिए कुछ प्रयास कर रहा है। हमको ये भी दिखाई दे कि दुख से मुक्ति तो हो सकती है परंतु सामयिक है, क्योंकि जब तक हमारा भाव स्थापित नहीं हुआ है, सही भाव समझ नहीं सुनिश्चित हुआ है, हम दोबारा अपने लिए समस्या खड़ी करेंगे। ये भी हमको दिखाई दे, जो हम लोग अभ्यास एक में ही बात करते रहे कि मैं अपने दुख का कारण स्वयं हूँ, ठीक, तो वो कारण तो भी बना हुआ है, उस कारण का निवारण नहीं हुआ है। जो फल परिणाम आए हैं
उसमें कुछ राहत मिला है, इतना हो सकता है। ये जो विधि दिखाई जा रही है उससे भी सामूहिक रूप से हो सकता है, और बहुत सारी विधियों से होता है, हम लोग करते ही रहते हैं अपने दुख को कम करने के लिए, समस्या पीड़ा को कम करने के लिए। अभी देखें तो जब हम प्रतिक्रिया पूर्वक जीते हैं तो ऐसा होता ही रहता है, और ये कॉमन है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई अपवाद है। हम क्या करेंगे, अगर अपने आप में दुख बना हुआ है तो दुख को कम करने का प्रयास तो करेंगे ही ना, और बाहर से कोई सूचना पाकर ही कर रहे हैं। जब तक ज्ञान के लिए काम नहीं कर रहे तो बाहर से कोई सूचना लेकर करते हैं, दूसरे से अनुकूल भाव पाकर या शरीर से कोई संवेदना पाकर। जी भैया, मतलब ये जो लोग क्लेम करते हैं कि मैं भूत, ये भूत घुसा है, भूत निकाल सकता हूँ, तो फिर इसको हम लोग क्या एनकरेज देना नहीं, एनकरेजमेंट देना नहीं होगा क्या? मैंने वही कहा कि देखिए अभी है ना, निरंतर सुखपुरुष जीने का कार्यक्रम स्पष्ट हो जाए। जैसे अगर आपको स्पष्ट हो रहा है कि निरंतर सुखपुरुष जिया जा सकता है और किस विधि से जिया जा सकता है, तो आप ऐसे विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को नहीं स्पष्ट है वो कई तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक विधि है जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो फ्राइडे आया और राइट नाइट को पूरा नाइट क्लब में पार्टी करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, करते ही रहते हैं, तो वो भी अपनी पीड़ा से निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक हमारे पास निरंतर सुखपुरुष जीने कार्यक्रम नहीं है, हम चाहे ऐसे चले चाहे वैसे चले, कोई ना कोई प्रयास तो करते ही रहते हैं। जी जी भैया जी, और तंत्र अपने आप में एक विधि, एक साधना है जिसमें सेल्फ द्वारा सेल्फ को प्रभावित किया जा सकता है। तो जो भूत प्रेत कहे जाते हैं वो भी देखे तो शरीर विहीन सेल्फ है। अभी हम लोग तो इस बात को कहते ही रहे है ना, उसका अभ्यास करके देख ही रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से बाहर हूँ, मृत्यु हो गई, शरीर से बाहर है, बने हुए इकाई के रूप में, ठीक। और उस सेल्फ को कोई दूसरा सेल्फ जो शरीर चला रहा है प्रभावित कर सकता है तंत्र साधना विधि से, या वो सेल्फ जो शरीर विहीन है किसी शरीर के साथ जो सेल्फ बना हुआ है उसको प्रभावित कर सकते हैं। इसको तो जाकर हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है, और रैशनली भी दिखता है कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई। कोई शरीर मैं, अगर हमें समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यानी मेरा होना शरीर पर निर्भर तो नहीं है, तो जब शरीर नहीं है तो मैं तो बना ही हुआ हूँ ना, और मेरे अंदर कल्पनाशीलता भी चल रही है, बस शरीर साधन के रूप में उपलब्ध नहीं है। उस कल्पनाशीलता का प्रयोग करके मैं दूसरे सेल्फ को या उसके साथ जो जुड़ा शरीर है उसको प्रभावित कर सकता हूँ, इसी को हम भूत प्रेत करने लगते हैं। तो अगर मुझ में समझ है तो देवी देवता कहलाते हैं, नहीं समझ है तो भूत प्रेत कहलाते हैं। तो जिनको हम अभी देवी देवता कहकर पूज रहे हैं है ना, उनको भी तो हम इसी रूप में देख रहे हैं कि शरीर विहीन सेल्फ है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जिनको नहीं पूज रहे हैं वो ये है जो भूत प्रेत कहे जा रहे हैं, ठीक। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है भैया, लेकिन वो जो तंत्र का जो एक ट्रेडिशनल, उसमें जो जितना साधना करके जो भी है, अगर उन लोग जो किए थे, हासिल किए थे पावर जो है, लेकिन अभी का जो ऐसे मशरूमिंग ऐसे निकलता रहता है, तो लगता तो नहीं उन लोगों में इतना डेप्थ है, इतना लॉन्ग इयर्स ऑफ ऐसा उन लोगों को लगता नहीं है, बस एक किस व्यक्ति में कितना डेप्थ है वो तो संवाद करके पता चलेगा ना। जी, व्यक्ति पीड़ा मुक्ति के लिए कुछ तो करेगा, उस पीड़ा मुक्ति में अगर कोई सहयोग कर रहा है स्वागत है, बट हम ये भी देखना होगा कि जो सहयोग करने की विधि है वो सार्वभौम हो सकती है क्या, उससे मानवीय परंपरा स्थापित हो सकती है क्या। अगर नहीं हो सकती तो उसका कोई वैकल्पिक विधि चुनेंगे। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी। नमस्ते भैया, दो बात पर मेरा ध्यान जा रहा है कि हम अपना आकलन करते हुए जैसे दूसरे का व्यवहार का या ध्वनि को जो अर्थ देते हैं और बाहर की भौतिक रासायनिक घटना, एक तो मेरा आकलन और उस आकलन मैंने एक तो मेरा जो अर्थ देता हूँ सो, और दूसरा जो मेरा आकलन रहता है, तो उसको फैल कर मैं कैसे देखूं, उसको फैल कर मैंने फैलाव में कैसे देखूं, और जो मेरा जिम्मेवारी पूर्वक जीने का काम है वह सतत होता रहे, इसके लिए और क्या किया जा सकता है? वही कर रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग हर दिन 2 घंटे का समय लगा रहे हैं, 1 घंटे का समय लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं। तो भैया रोज असाइनमेंट हम लोग लेते हैं, इसको दिन भर ऑब्जर्व करें।
अब तो देख रहा हूं कि प्राय हर क्षण ध्यान जाता है, जहां वो सही नहीं निर्णय लेता हूं ध्यान जाता है कि ये मेरा निर्णय सही नहीं है, और भाव मेरा बिगड़ता है तुरंत भाव को ध्यान जा रहा है। तो भैया ये जो जिम्मेवारी पूर्वक जीने में जो हिलना डुलना होता है, इसको चाहता हूं अस्थिर हो, ये फिक्स हो, ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन नहीं हो पा रहा तो हम फल परिणाम के रूप में देख रहे हैं, है ना। अच्छा परंतु उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है उसको हम अपने कार्यक्रम के रूप में देखें। तो हमें चिंतन को जागृत करना है, बोध को जागृत करना है। ये काम हम नहीं करें और हम सोचे कल्पनाशीलता में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा, व्यवहार मेरा ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा। और चिंतन को जागृत करने के लिए, बोध को जागृत करने के लिए क्या करना है, वही हम अभी अभ्यास में कर रहे हैं। अभ्यास एक किया तो उसमें भाव परिमार्जन के लिए हम लोगों ने अभ्यास किया कि कैसे चित्रण से चिंतन तक जाए। अभी अभ्यास दो में उसको और थोड़ा आगे ले गए कि भाव में परिमार्जन भी हो और मैं और शरीर का अंतर भी स्पष्ट हो, तो उसको एक्सपेडाइट करेगा प्रोसेस को, क्योंकि तो अपने आप को शरीर मान के जीते हुए परिमार्जन हो नहीं पाता है। तो पहले ये तो स्पष्ट हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो जो शरीर से मिलने वाली संवेदना पे नहीं जो निर्भरता है मेरी, है ना, उसका मैं ठीक ठीक आकलन कर पाऊँ। ये काम जी भैया, तो ये जो आकलन है करना मेरा, पड़ेगा। देखिए अभी हम ऐसा लगता है ना कि जी अभी हमको जो करना है उस पे हमारा जी ध्यान रहे तो ठीक है, उसका जो फल परिणाम आएगा वो तो बहुत सारी चीजों के योग से उससे आएगा। हमारा उसमें अभ्यास भी है, प्रयास भी है ना, और बाहर की परिस्थितियां भी हैं। अब अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में है कि बार बार आपका ध्यान खींचता है बाहर की ओर, तो स्वयं पे आप नहीं ध्यान दे पाते हैं, बाहर की चीजों में उलझे रह जाते हैं। तो जो फल परिणाम आएगा उसमें तो बहुत सारी चीजों का योग संयोग है, परंतु आपकी अपनी भागीदारी, तो आपका निर्णय है। जी भैया, तो बाहर की चीजों पर जब काम करता हूं तो अनायास कभी कभी लगता है कि ये हम अपने पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, जो जिसका विकास करना है वो विकास नहीं होकर दूसरा बाह्य वही वस्तुओं पर हो रहा है, वही तो तो उस ये समय काम थोड़ी तो ठीक करना चटक। होगा ना। देखिए ऐसा नहीं कि बाहर निर्वाह करेंगे तो अपने ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, जब भी निर्वाह करेंगे स्वयं को देखते हुए करेंगे, इसलिए निर्वाह तो एक अवसर है, बाधा नहीं। इनफैक्ट जी, एक कोने में कमरे में बैठ के तो हम मान ही सकते कि मेरा भाव विचार सब ठीक हो गया ठीक, बट जब हम समाज में भागीदारी करते हैं, और ये तो भागीदारी बहुत लिमिटेड कर रहे हैं, समाज में आगे बढ़कर जो समाज की व्यवस्था है उसमें नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, उसमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत पड़ेगी, है ना, और उस समय बहुत सारा आकलन करना होगा। और फिर उस वहां जाकर हम योजना कार्यक्रम बनाएंगे कि कैसे, है ना, यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है, फिर त्वरण फिर आकलन करेंगे। तो अल्टीमेटली देखें तो चिंतन, बोध, अनुभव, इन क्रियाओं को जागृत होना है। जी भैया, तो ये तो जब बढ़कर काम करते हैं, मतलब परिवार से बाहर, समाज में तो अभी उतना नहीं योगदान कर पा रहा हूँ, लेकिन संस्थान में इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरा भाव और जो बच्चों में हो सकता है सुधार, उसको मैं ध्यान में रखता हूँ, वो ध्यान जाता है, करता भी हूँ। अब भाव में थोड़ी स्थिरता वहां आने लगी, लेकिन देखता हूं कि कभी-कभी दूसरे का जो ध्वनि है या व्यवहार, व्यवहार से कम ज्यादा ध्वनि है, वो थोड़ा प्रभावित ज्यादा कर दे रहा है। तो इस समय जो मेरा खुद का आकलन करने का है, तो उसको कैसे मैं करूं कि और बेहतर हो सके? देखिए वही ना, अभी ध्यान बाहर चला जा रहा है, इससे नहीं हो रहा है। ये जो अभ्यास में स्टेप्स बताए गए इसको ठीक से हम करें। देखिए अच्छा ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन में एक एक स्टेप पूरा होता जा रहा है, ठीक है, वो तो जी इंस्ट्रक्शन जो है वो तो लिमिटेड टाइम में ही दिया जाएगा, बट स्टेप्स को पूरा करना तो गहरा काम है। मैंने जी आपको बताया ना, उसको जिम्मेदारी पूर्वक जीने का अगर अर्थ में आप जाएंगे, पूरी मानवीय परंपरा तक देखेंगे, हम कहाँ देख पाते हैं, प्रतिक्रिया को ही कम करने में लगे रहते हैं, जिम्मेदारी पे तो ध्यान नहीं जाता। वैसे ही अपने आप को शरीर मान के जीने का अभ्यास बना हुआ, शरीर से अपने आप को भिन्न नहीं देख पा रहे हैं, तो कंफ्यूजन बना ही रहता है, और वो एक बहुत ही बेसिक कंफ्यूजन है, बेसिक प्रॉब्लम है। जब तक उससे हम बाहर निकल नहीं पाते तब तक अपने आप को शरीर मान के जीना होता ही रहता है। और जैसे ही वहां आकलन की बारी आती है, हम कोई बॉरोड नोशन को ले आते हैं, कुछ किताब में पढ़ लिया है ना, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा,
कहीं हमने देखा सुना और उन्हीं चीजों को लेकर हम अपने आप में आकलन करने का प्रयास करते रहते थे। देखना तो हुआ नहीं स्वयं में, तो उसको हम निष्ठापूर्वक करें वो दिखने वाले काम को। अच्छा दिखने वाला काम अगर नहीं होगा तो फिर ये है ना, एक समय के बाद फिर वो पीड़ा तो बनी रहेगी कि कोई परिमार्जन नहीं हो रहा। तो भाव को देखना, अपने आप को शरीर से भिन्न देखना, स्वयं में जो मैं शरीर से मिलने वाली संवेदना को अर्थ दे रहा हूँ उसको देखना, ये सतत काम है। ऐसा ना माने कि 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जी जी भैया, ये तो उन्होंने बहुत रोज ज्यादा आशा लगा ली जी तो रोज का है। जो आकलन करता हूँ रात में, तो उस समय इस दिन देख मैंने किसी किसी दिन संतुष्ट रहता हूँ अपने ही काम से, अपने ही भाव से, और किसी किसी दिन संतुष्ट नहीं हो पाता। हाँ तो ठीक बात है। देखिए संतुष्ट हो जाना तो यह है कि भाई जो है उसको हमने पर्याप्त मान लिया, तभी आप संतुष्ट होते हैं। उसको भी करना ठीक नहीं है, इतनी जल्दी संतुष्ट ना हो। ब्लॉक अच्छा B1 में कुछ अगर नहीं हुआ है तो क्यों संतुष्ट हो जा रहे हैं यहीं पर? अच्छा अच्छा नहीं वो तो तो अभी इसमें विचारों में जो उथल पुथल था है ना, वो थोड़ा शांत हुआ, ठीक अच्छा पीड़ा से थोड़ी मुक्ति हुई, तो मानते हैं कि ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा तो ये भैया जैसे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भाव बेहतर हो, हमारा भाव तो उस जिस दिन ज्यादा समय तक होता है बेहतर, तो उस दिन संतुष्टि रहती है कि आज थोड़ा बेहतर किया, ये देखिए कहने का है। बेहतर भी आपकी समझ से हुआ या बाहर की परिस्थिति की अनुकूलता से हो गया। जैसे आज घर में शांति रही, हम कहते हैं भाव बेहतर गया। भाई घर में शांति रही इसलिए बेहतर हो गया, घर में अशांति जाए फिर बिगड़ गया, वो अनुकूल क्या बोला जाए। वातावरण हाँ के कारण। तो वातावरण की अनुकूलता से हो रहा है ना जी भैया बहुत जी। काम करना है बाकी अभी। जी, जी बढ़िया भैया, भैया उसको करते रहना जी है और जी इसे कोई लोड के रूप में ना ले। मैं अपने स्वभाव में स्थापित होने का काम कर रहा हूँ, हाँ तो जैसे स्वभाव में तो नहीं। स्थापित करना होगा भैया। हाँ वही तो, उसको हम ऐसा ना माने कि है ना कोई बहुत बड़ा काम है, कठिन काम है, ऐसा नहीं है, नेचुरल काम है। इसके अलावा जो काम कर रहे हो सब कठिन अच्छा ओ है। बढ़िया भैया बढ़िया जी भैया लगा हूँ बढ़िया भैया बहुत स्वस्थ भैया। जी भैया नमस्ते। जी। भैया जो संस्कार वाला स्टेप है ना, वो अभी मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि काफी टाइम उधर ध्यान जाता है, तो हाँ ऐसा मैं एक दिन के ऑब्जर्वेशन में मुझे ख्याल आया कि अगर मुझसे कोई चीज ठीक से हो पा रही है तो उसके बाद ऐसा क्या ये संस्कार है कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हूं और उस मोड में काफी टाइम तक रह रही हूं, और अगर कुछ काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसके भी डिप्रेशन में काफी टाइम तक रह रही हूँ कि ये मुझसे नहीं हुआ, तो ये क्या ओवर और अंडर इवैल्यूएशन होने का काम हो रहा है, और क्या ये संस्कार बोल सकते हैं? देखिए अभी जो हमारी स्थिति है वो मेरा संस्कार है, उसके साथ मैं आकलन करूंगा तो संस्कार से जोड़ कर ही रखेंगे उसको भी। बट ये अपने आप में हम देखना शुरू करें कि जिसको मैं इवैल्यूएशन कह रहा हूँ ठीक, वो खाली विचार है या इवैल्यूएशन है? इवैल्यूएशन तो तब हम ठीक से कर पाते हैं जब हमको वैल्यूज की क्लैरिटी होती है। इनफैक्ट होता ये है कि अभी हमको वैल्यूज की पूरी स्पष्टता नहीं, क्योंकि वैल्यू चिंतन में आया नहीं है, कॉन्टेम्पलेशन में आया नहीं है, मूल्य अभी चिंतन में नहीं आया। तो मैं मूल्यांकन के प्रयास में है ना, मूल्य को चिंतन में स्पष्ट करता जाता हूँ और किसी पॉइंट पर जाकर मुझे दिख जाता है। अब जब दिख गया तो आप पाएंगे मेरे भाव विचार में परिमार्जन होने लगता हो जाता है। तो मूल्यांकन एक प्रयास है, उस प्रयास में मूल्य हमको दिख जाते हैं। जब दिख जाते हैं तो जो उसके अंदर भाव विचार तैयार होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो जब मूल्य स्पष्ट होते हैं तो मूल्यांकन में यही दिखता है कि सब ठीक है, और मूल्यांकन में अगर नहीं दिख रहा है सब ठीक है, इसका मतलब मूल्य स्पष्ट नहीं है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया करते करते हमको मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं, और जब मूल्य स्पष्ट होते हैं तब जाके मैं सही आकलन करता हूँ, मैं पाता हूँ कि मेरा तो सब ठीक ही है।
उसके पहले अधिमूल्यन अवमूल्यन तो रहेगा ही, क्योंकि मूल्य स्पष्ट नहीं है। और जब अधिमूल्यन लगता है या अवमूल्यन लगता है तो उससे मैं जब सही मूल्यांकन पर जाने का प्रयास करता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है मूल्य को चिंतन करने का, मूल्य को स्वयं में देखने का। तो ऐसे क्रम चलेगा। तो यदि अधिमूल्यन अवमूल्यन तो होना ही है जब तक कि मूल्य स्पष्ट नहीं है, और जब मूल्य स्पष्ट है तो अधिमूल्यन का स्कोप नहीं रहा, अवमूल्यन का स्कोप नहीं रहा, जो होगा सम्यक आकलन के आधार पर होगा। तो ऐसा क्रम बनता है, तो होगा ही अधिमूल्यन अवमूल्यन होगा ही, बट ये भी एक संयोग है ना, क्योंकि इस क्रम में जैसे हमको पता लगता है कि अधिमूल्यन हुआ या अवमूल्यन हुआ तो फिर मूल्य क्या है वो प्रश्न करते हैं अपने आप से। तो अभी इतना होता है कि जो हमारी सहस्वीकृति है उससे हम क्लोज होते जाते हैं, बट वो फ्लक्चुएशन बना रहता है। फ्लक्चुएशन का जो मीन है वह हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस से क्लोज हो जाता है। जी जी भैया, ऐसा लग रहा है, मतलब मैं जैसे बात को समझ पाई कि ये तो होता ही रहेगा अपने बारे में या दूसरों के बारे में ओवर और अंडर, लेकिन जितना मैं उसे सही क्या हो सकता है ऐसे देखूंगी उतना उतना मैं क्लोज होती जाऊंगी ठीक मूल्यांकन के। जी बिल्कुल। ओके, और भैया मुझे और एक ऐसा पूछना है कि कई बार मुझे चीजें ऐसा लगता है कि सही में समझ नहीं आ रही है, मुझे टाइम लग रहा है उसे समझने में, तो इसमें क्या ब्रेन का रोल है या फिर सेल्फ का उधर ठीक से ध्यान नहीं गया है, ऐसा है वो मुझे स्पष्ट नहीं होता है बहुत बार, और इसी को हम क्या इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो क्या वो हर एक का सेम हो सकता है? देखिए, तो ब्रेन का रोल है ये निश्चित है ना, इंटेलिजेंस भी यहाँ पे है वो भी निश्चित है, बट सेल्फ का रोल इसमें प्रोमिनेंट है, और उसमें भाव का, इंटेलिजेंस विचार के लेवल पे। तो इंटेलिजेंस ये करता है कि जैसे कोई बात कही जा रही है ना, उस बात को हम विचार में फैला लेते हैं और जो भी इफ्स बट्स पॉसिबिलिटीज हैं है ना, उन सबको हम एनालाइज कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे ये काम करता है कि किसी प्रस्ताव को हम कितने दूर तक फैला कर देख लेते हैं और उसका कितना हम बारीकी से विश्लेषण कर लेते हैं। तो इसमें ब्रेन का रोल ये होता है कि जब मैं इसको फैलाता हूँ तो मैं बहुत सारी घटनाओं से जोड़कर इसको देखता हूँ, ठीक, वहाँ मेरी स्मृति की जरूरत पड़ती है, रिकलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो आस्वादन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे शरीर का रोल होता है, क्योंकि आस्वादन मैं शरीर से जोड़कर लेता रहा हूँ तो मैं ब्रेन को भी यूज करता हूँ, बट ये विश्लेषण तक है। उसके बाद जब सही भाव को मैं पहचानने जाता हूँ तो ब्रेन का भी रोल नहीं है, विश्लेषण का रोल भी कम है, और जब मैं चिंतन बोध अनुभव में काम कर रहा हूँ तो वहां तो ब्रेन का भी रोल नहीं है, विश्लेषण का भी रोल नहीं है। तो इस रूप में तो है, जैसे अभी भी आप देखें तो वर्कशॉप में बहुत सारा कंटेंट सुना, ठीक है, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, तो ब्रेन का रोल इसमें तो है कि कितनी बातें हम याद रख पाते हैं, क्योंकि संवेदना ले रहे थे, है ना, और संस्कार का रोल है क्योंकि जब संवेदना ले रहे थे तो निर्णय पूर्वक पढ़ रहे थे या ध्यान कहीं और था, तो वर्कशॉप सुन रहे हैं ध्वनि तो आ रही है, ठीक, बट हमारा ध्यान कहीं और है क्योंकि हम कहीं उलझे हैं अपने आप में, यहाँ मेरे संस्कारों का रोल है। तो ब्रेन का रोल थोड़ा लिमिटेड ही है जब हम सही कार्यक्रम में लगते हैं, हम शुद्ध रूप से ऐसे काम में लगे हुए हैं जहाँ विश्लेषण वाला ही भाग मुख्य है ना, हम एनालाइज कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो सब तो ब्रेन का बहुत एक्टिव रोल है, परंतु जहाँ संस्कारों परिमार्जन के लिए काम कर रहे हैं, भाव पे ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा कम है और विश्लेषण का है, बट और आगे जब हम काम कर रहे हैं है ना, भाव को देखने का, तो वहाँ नहीं है, ब्रेन का रोल बहुत ही लिमिटेड है। जहाँ जहाँ पे हम कोई पुरानी सूचना को रिट्रीव करेंगे वहाँ पे तो है, जो आस्वादन से उठाकर हम लाएंगे, परंतु भाव को जब सीधा सीधा देखेंगे तो वहाँ पे नहीं है रोल। जी भैया, तो अगर मुझे फुलफिलिंग मैनर में
लिविंग कंटिन्यू करना है तो भले ही इंटेलिजेंस उतना नहीं भी हो तब भी मेरा जीना सार्थक हो सकता है अगर काम मुझ में हो गया तो। बिल्कुल, और इंटेलिजेंस उससे बढ़ता है। अभी देखिए इंटेलिजेंस में भी है ना, अभी पहले आईक्यू की बात होती थी, अब ईक्यू की बात होती, इमोशनल क्वेश्चन कितना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है। ठीक, तो आप कुछ लोगों को देखेंगे कि ढेर सारी बातें करते हैं बट यही तय नहीं कर पाते कि इस बात रखने का प्रयोजन क्या है। ठीक है ना, तो प्रयोजन को मैं नहीं देख पाऊँ और ढेर सारी चीजों को एनालाइज करूँ तो इंटेलिजेंस तो लगेगा वहां पे, बट अगर हम देखें कि प्रयोजन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई गेम खेल रहे हैं है ना, और गेम में ढेर सारा विचार कर रहे हैं उसको जीतने का, जैसे कोई चेस खेल रहा हो, ढेर सारा विचार कर रहा है और चेस को जीत भी रहा है, तो जाहिर सी बात है विचार में तो आदमी काफी काम कर रहा है, ब्रेन का भी काफी अच्छा प्रयोग कर रहा है, ब्रेन का स्वास्थ्य भी अच्छा है तभी इसको कर पा रहा है। परंतु ऐसे देखें तो इसका उपलब्धि क्या है, तो भाव में तो कोई उपलब्धि नहीं है, समझ में कोई उपलब्धि नहीं है। तो अगर हम विजडम का प्रयोग करें, इंटेलिजेंस और विजडम दो अलग चीजें हैं, तो हम ऐसे कार्यक्रम में समय नहीं लगाएंगे, किसी ऐसे कार्यक्रम में समय लगाएंगे जहां समाज में व्यवस्था बने, प्रकृति में व्यवस्था बने। तो विजडम का मतलब विवेक है जो समझ पर आधारित है। तो अभी एजुकेशन में हमें इंटेलिजेंस को बहुत प्रायोरिटी दे दी है, जबकि इंटेलिजेंस से ज्यादा प्रायोरिटी विजडम का है, विवेक का है ना। तो विजडम ज्यादा वैल्यूएबल है, विजडम होता है तो इंटेलिजेंस सही दिशा में लगता है और सही दिशा में उसका वो बढ़ता भी रहता है। विजडम नहीं है तो इंटेलिजेंस को हम दुरुपयोग भी करते रहते हैं। अभी जितने आपराधिक काम होते हैं ठीक, उसमें खूब इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, होता भी रहता है, फिल्मों में दिखाते रहते हैं कैसे अपराध किए जाते हैं, पकड़े ना जाए अपराध हो जाए है ना, खूब इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, बट विजडम नहीं है वहां पे। तो बिना विजडम के इंटेलिजेंस तो काउंटर प्रोडक्टिव है, नुकसान करेगा। तो ये भी हमको अपने आप में दिखाई दे कि इंटेलिजेंस उपयोगी है बट बिना विजडम के तो इंटेलिजेंस दुरुपयोगी भी है और ज्यादा है। तो विजडम ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंटेलिजेंस नहीं। इससे कई बार हमको लगे भी कि इंटेलिजेंस कम पड़ रहा है तो उससे बहुत हमको मतलब ये नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट विजडम ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रायोरिटी विजडम की है, इंटेलिजेंस की नहीं, ये हमको स्पष्ट रहे। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, वो इस बात से काफी टाइम तक मुझे परेशानी लग रही थी कि कैसे हो पाएगा, पर अभी लगता है कि पॉसिबिलिटी है। थैंक यू। जी बढ़िया दीदी। जी भैया नमस्ते। नमस्ते जी भैया, वो बात वही वहां पे थोड़ा सा मुझे स्पष्ट करना था, वो जो प्रभाव की बात हो रही थी भैया वो तंत्र वाले में, तो मतलब बेसिकली जो उसमें हो रहा है वो तो प्रभाव तक ही हो रहा है ना भैया, प्रभाव से आगे जो मतलब स्वभाव या भाव का जो दिशा है उसमें आगे बहुत नहीं, मतलब जितना भी उसमें पता चल पा रहा है कि उतना नहीं हो रहा है, लेकिन बट प्रभाव पे ही हो रहा है मुख्य रूप से अगर देखें तो भैया है ना, प्रभावी है। और अगर अभी अपने को भी देखूं तो शुरुआत जहां से करता हूं तो प्रभाव से ही शुरू करता हूं, बेसिक मतलब यहां पे दिशा और उसके साथ जो है स्वभाव में जाने और भाव तक पहुंचने की बात होती है, बट मतलब मुख्यतः या ज्यादातर तो प्रभाव और विभाव तक ही मतलब होता रहता है, है ना। जी परस्परता है तो प्रभाव तो रहेगा ही, प्रभाव तो परस्परता में प्रभाव को ही कह रहे हैं है ना, और जो गुण है हमारा वो गुण तो बना ही रहेगा, तो हर इकाई के साथ रूप गुण अविभाज्य है वो तो रहेंगे ही, रूप भी रहेगा गुण भी रहेगा परस्परता में प्रभाव भी रहेगा। ये है कि हमारा गुण प्रधान जीना है कि स्वभाव प्रधान जीना है, ये मुख्य बात है। जी भैया, तो भैया जैसे वो लोग भी जिन लोगों पे उस तरह से प्रभाव पड़ रहा है उन पे इधर से भी तो प्रभाव पड़ ही सकता है क्योंकि उनका तो प्रभाव से ही शुरुआत हो रही है, तो मतलब ये भी तो संभावना है
यहाँ पे भी आए होते, बात सुने होते और बात समझने से प्रभाव पड़ता, फिर प्रभाव से फिर कुछ समय बाद प्रभाव से मतलब वो होते प्रभाव जैसा, मतलब प्रभाव जो अभी बाहर पे निर्भरता थी उससे हटने की कोशिश कर, भाव फिर भाव यहाँ तक भी दिशा तो हो सकती है उनकी, वैसे भी कोई मतलब जरूरी नहीं कि उधर ही से हो, मतलब उनका इधर से, बट उनके पास ये ऑप्शन नहीं है तो जो ऑप्शन मिला उसी पे ठीक बात है। तो उनको अगर ये विकल्प दिखे तो इस पे समय लगाएंगे, है ना। और हम भी अपने आप में देखें कि अगर हमको ये विकल्प नहीं मिला होता तो हम भी अन्यत्र कहीं प्रयास कर रहे होते। जी भैया, दूसरे तो जो उनके ऊपर प्रभाव करने वाले हैं, जो प्रभाव डालने वाले हैं तंत्र वाले, उनको भी अगर यह बात मतलब हमारी ठीक से कम्युनिकेट हो और उनसे संवाद हो पाए तो शायद वो भी ये सोचते हैं कि ये तात्क्षणिक या कुछ समय के लिए तो ठीक है, बट इनको आगे का मतलब स्वभाव की स्थिति में ले जाने का काम किया जाए, अन्यथा ये बहुत लॉन्गिटिविटी इसकी नहीं रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी भी उनके उसकी नहीं रहेगी, जो हम निश्चितता की बात कर रहे हैं उनके व्यवहार कार्य की, वो भी उससे लंबे समय पे तो नहीं हो पाएगी। ठीक बात है जी भैया, तो एक तो ये स्पष्ट करना था। हाँ। दूसरा ये है भैया कि अभी जैसे अगर अपने को भी देखूं तो जैसे प्रभाव, प्रभाव से विभाव, विभाव से स्वभाव, स्वभाव से भाव तक ही स्वाभी न बचे, भाव ही केवल बचे, मतलब ये जो दिशा है बेसिकली उसमें भी मतलब चल तो हम भी ऐसे ही रहे हैं लगभग। तो स्वभाव में स्थापित होना है ठीक, और भाव से विभाव भी हम क्यों कह रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो भाव से प्रभाव से विभाव हमने इसलिए कहा भैया, हाँ हमने इसलिए कहा क्योंकि अभी बाहर वाला मामला था, तो बाहर वाले से तो जब नहीं ठीक हो पाता है या बाहर वाले पे बहुत सारा समय लगाने के बाद हमको लगता है कि बाहर से बार बार दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि परतंत्रता है तो दुख तो होगा ही कहीं ना कहीं, तो कई बार हम उस दुख से मुक्ति तक का ही सोचते हैं, ठीक है, तो उस समय हमको लगता है कि बाहर की जो निर्भरता इसको अगर हटाए तो हम हटाने जाते हैं तो सीधे तो भैया स्वभाव पे पहुंचते नहीं है, बीच में मतलब कुछ पड़ता है, बट ठीक है अगर आप उसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, बट मैं उस समय जो बाहर की निर्भरता है जब उसको हटाने जाता हूँ तो पहले तो भी भाव तक ही मतलब मैं ऐसा अपनी तरफ से रख दिया, बट मुझे ऐसा मतलब लगा तो इसलिए मैंने उसको रख दिया। कठिनाई ये है ना कि जो बाहर के प्रभाव को हटाने का हम प्रयास करते हैं ठीक, ये कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं कह रहे। पूरे अभ्यास में देखिए, अभ्यास एक और दो में तो हम बाहर के प्रभाव को हटाने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो स्वभाव में स्थापित होने की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे खुद ही वो गायब हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। जब हम हटाने जाते हैं ना तो एक पीड़ा से निकल के दूसरी पीड़ा में जाते हैं कई बार, है ना, तो इसलिए उसको हटाने की बात ही नहीं कर रहे। हम ये नहीं करें कि प्रतिक्रिया बंद कर दीजिए, हम ये नहीं करें प्रतिक्रिया से है ना रोक दीजिए, हम तो बस ये करें कि स्वभाव को देखिए, जिम्मेदारी को देखिए। ये एक मेजर बात है, क्योंकि प्रभाव को दूर करना है, प्रभाव से बचने के लिए जो प्रयास होता है उससे फिर कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनता, कोई मानवीय परंपरा नहीं बन सकती। भाई सिंपल सी बात है, स्वभाव में स्थापित होने लगी है, बाकी सब अपने आप मूल्यांकित होगा। तो थोड़ा मूल्यों की स्पष्टता के बारे में कंफ्यूजन है भैया, और जो मूल्य की आप बात कर रहे हैं, जो 9 मूल्य हमने बात की उसी के बारे में बात कर रहे हैं भैया, या कुछ और है इसके अंदर? 9 मूल्य मानव संबंध में है, फिर मानव शेष प्रकृति संबंध में है कुछ मूल्य स्वयं में है। तो मूल्य मतलब भागीदारी। जी जी भैया, तो मूल्य हमको स्पष्ट हो, संबंध हमको स्पष्ट हो, भागीदारी स्पष्ट हो, तो मैं का मैं के साथ, मैं का शरीर के साथ ठीक, जड़ का जड़ के साथ, ये सारा ही हमको देखना बनता है। तो जितना जितना हम देख पाएंगे उतना उतना हमको मूल्य स्पष्ट होंगे। तो भैया अभी तो हमने मानव मूल्य पर ही बात सुनी है, बाकी मूल्यों के बारे में या तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, या मैंने अभी अटेंड नहीं किया कोई यूएचपी का जो नेक्स्ट स्टेज है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा भैया। हाँ भैया, उसमें जैसे अभी देखें तो कुछ मूल्य है जो मुझ में स्थापित होते हैं, सुख शांति संतोष आनंद
जो स्वयं की सुख की स्थितियां हैं उसको मूल्य रूप में रखना बनता है, क्योंकि मेरी जो क्रियाएं हो रही उनकी परस्परता में है ना जो भागीदारी है उस अर्थ में ये मूल्य परिभाषित होते हैं। वैसे ही एक मानव के रूप में जब मैं जी रहा हूँ परिवार में समाज में भागीदारी कर रहा हूँ तो कुछ मूल्य दिखाई देते हैं। वैसे ही अगर हम भौतिक रसायनिक वस्तुओं को लें तो उसमें भी दो मूल्य दिखाई देते हैं, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो उपयोगिता का मतलब कि वो जो इकाई है उसकी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में क्या भागीदारी हो उसको उपयोगिता कह रहे हैं, और कला मतलब कि उसको संरक्षित करने का बढ़ाने का जो प्रयास है उसको कला कह रहे हैं। तो इस रूप में दिखाई देगा आपको। तो अल्टीमेटली देखें तो जड़ की भागीदारी और चैतन्य की भागीदारी ये दोनों स्पष्ट होना है, यही मूल्य है मौलिक रूप से कि जड़ की भागीदारी स्पष्ट हो जाए, चैतन्य की भागीदारी स्पष्ट हो जाए। तो चैतन्य की भागीदारी जड़ के साथ भी है, चैतन्य के साथ भी है। जड़ की भागीदारी जड़ के साथ भी है, चैतन्य के साथ भी है। इस सारा कुछ स्पष्ट हो जाए इसी के लिए काम कर रहे हैं। जी भैया, तो मतलब अभी वो कंटेंट मेरे उसमें इंफॉर्मेशन में नहीं है इसलिए शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि अभी हाँ, मैंने वो यूपी टू में हम लोग उसको रखते हैं उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, और इनफैक्ट उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि जो पूरी टेक्नोलॉजी को हम शिक्षा दे रहे हैं वो उपयोगिता और कला से ही जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य का ही पूरा विस्तार है ये तकनीकी। जी 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 भैया, भैया एक और क्वेश्चन है कि मेमोरी जो है वो शायद पहले भी चर्चा हुई लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेमोरी जो है वो ब्रेन का पार्ट है या सेल्फ का पार्ट है भैया? देखिए मेमोरी का मतलब होता है रिटेंशन, कोई चीज बनी रहे उसी को मेमोरी कहते हैं। जी तो जड़ में भी कोई चीज बनी रहती है, चैतन्य में भी कोई चीज बनी रहती है। तो भाव विचार आस्वादन ये सब चैतन्य में बना रहेगा, और जो जड़ पे प्रभाव पड़ा है वो जड़ में बना रहेगा। तो ब्रेन में जो प्रभाव है उसका बने रहना ब्रेन में मेमोरी होगी, और मुझ में भाव बने रहना विचार बने रहना आस्वादन बने रहना ये मेरी मेमोरी होगी। तो मेमोरी को किस रूप में प्लेस कर रहे हैं, तो मेमोरी को भी दो भाग कर सकते हैं, जड़ में और चैतन्य में। तो जड़ में जो रिटेंशन है उसको जड़ में देखेंगे, चैतन्य में जो रिटेंशन है चैतन्य में देखेंगे। तो ब्रेन वाले में ये होता है कि ब्रेन के स्वास्थ्य के आधार पर उसमें जो रिटेंशन है वो सुनिश्चित हो पाता है, जो भौतिक रासायनिक घटनाएं हैं है ना फिर रिट्रीव करने में हेल्प करती हैं, और चैतन्य में भी कुछ है। फिर देखेंगे आपकी उम्र के साथ साथ हमारा तजुर्बा बढ़ता जाता है ना, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, बट ब्रेन का जो हेल्थ है वो घटता जाता है। तो अब जब डेटा रिट्रीव करना पड़ता है तो हमको मुश्किल पड़ता है। तो 40 की उम्र के बाद आप पाएंगे कि याद करना कई बार मुश्किल होने लगता है, पता लगता है कि अब याद नहीं हो रहा है। 50 के बाद और मुश्किल पड़ता है, 70-80 के बाद और मुश्किल पड़ेगा। तो जिस तरह से हम डेटा को रिट्रीव करते थे बचपन में अब नहीं कर पाते है ना। तो मेरे अंदर तो सूचना बढ़ी है बट ब्रेन का हेल्थ घटा है, इसलिए रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब रिकलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें ब्रेन का भी रोल होता है। जी 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 भैया स्पष्ट हुआ है। भैया एक और क्वेश्चन है कि हम जब पूरी व्यवस्था में भागीदारी की उसकी जब हम समझ की बात कर रहे हैं और प्रभाव से स्वभाव में स्थापित होने की भी बात चल रही है और समझ में भी आ रहा है भैया, थोड़ा थोड़ा उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन इससे कई बार जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं ये जो भी चीजें चल रही हैं व्यवस्था वो अपनी जी समझ से चल रहे हैं तो हमारे स्वभाव में स्थित होने से कहीं कहीं वो दुखी होते हैं। तो वहां हम इसको कैसे ले भैया, हम संबंध का निर्वाह कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? देखिए हमको ये बात समझ में आया कि संबंध के निर्वाह का अर्थ है दूसरे में समझ सुनिश्चित करना, यही संबंध का निर्वाह है। दूसरे की मान्यताओं को पूरा करना संवेदनाओं को पूरा करना ये संबंध नहीं है, ये ऑब्जेक्टिवली हमको दिखाई दे तो सामयिक रूप से दुखी होंगे, पहले भी थे अभी भी हैं ठीक, बट उनके निरंतर सुख का कार्यक्रम बन सकता है, पहले नहीं बन सकता था। तो सुख मतलब ये जो संबंध में निर्वाह का अर्थ इतना ही है कि दूसरे की जागृति में दूसरे के समझ में सहायक होना भागीदार होना यही संबंध का निर्वाह है।
दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते रहना, मान्यताओं को पूरा करते रहना, संवेदनाओं को पूरा करते रहना, ये कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही समझ में आ रहा भैया, लेकिन उसमें ये होता है कि सामने वाला तो प्रभावित होकर के दुखी हो रहा है, तो उस संबंध को तो हम उसको तो सुखी नहीं कर पा रहे। देखिए वो दुखी पहले से ही था, उसका दुख ट्रिगर हो गया है, खुल के सामने आ गया है, तो ठीक है फिर उसको रिजॉल्व भी करेंगे। कम से कम ये तो पता लग जाए कि मान्यता बनी हुई है, कोई मान्यता पे काम करना है जी। ठीक, अब अगले व्यक्ति की इच्छा है, हो सकता है कि है ना इस रूप में संबंध को पहचाना है कि साथ बैठ के कोई ड्रिंक करे उसके, और आप मना करेंगे क्योंकि तो स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है ना, तो दुखी तो होगा, पर ज्यादा अच्छा है कि वो दुखी हो जाए। अगर वो ड्रिंक लेकर सुखी हो रहा था उससे तो निकालना जरूरी है उसको कि नहीं। जी भैया, मैं एक उदाहरण और रखता हूँ भैया। मेरा मेरी मेरी बड़ी सिस्टर है, और क्योंकि वो सिंगल है, हस्बैंड नहीं है उनके, मेरे से बड़ी है। अब अभी तक जो भी उनके सामाजिक कार्यक्रम थे तो उसकी जिम्मेदारी मैंने ही ली थी, और लेकिन उनका ये है कि वो उनकी जो भी मान्यता है उसमें यही सुख से जोड़ रखा है कि बड़े प्रोग्राम्स करना, या जनरली वही है कि तब लोग अच्छा कहे वैसा करना, जिसमें काफी पैसे का भी अपव्यय भी होता है, ऊर्जा का अपव्यय होता है, समय का अपव्यय होता है। तो अब जैसे समझ थोड़ी और गहरे, पहले भी थोड़ा मैं इन चीजों में समझाता था, लेकिन अब जब समझ और गहरी हुई और उसकी पूरी तरह से व्यर्थता दिखती है, तो जैसे अभी कोई उनके फंक्शन आने वाला, तो मैंने कल ही बात हो रही थी, मैंने बोला कि अब आप अगर इस चीज को फैला करके जिस तरह से आप करते हो वैसे वो ठीक नहीं है, और इतना व्यर्थ जो आपकी भी ऊर्जा लगती है, आपका समय लगता है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरा निर्णय है कि मैं इन चीजों में उतना सहयोग नहीं कर पाऊंगा, आप इनको उतना फैला करके नहीं करें, मेरा ये आपसे एडवाइस है। तो उस पे वो थोड़ा सा नाराज भी हुए हैं, और उनका वो सब चीजें सामने आती हैं थोड़ी सी। तो ऐसे में कैसे डील करें भैया, ऐसे में कैसे हम अपने स्वभाव में बने रहें और सामने वाला भी प्रभावित नहीं हो, कैसे कर सकते हैं? उसमें फिर संवाद की जरूरत है। आप अगले व्यक्ति से पूछिए कि सब आप जो कर रहे हैं सब पर्पस क्या है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, पूछ लीजिए पर्पस क्या है, उसको कुछ उत्तर रखने दीजिए उस अगले व्यक्ति को, फिर उसको और एनालाइज कर लीजिए इससे जो सुख मिलेगा उसमें निरंतरता होगी क्या। हाँ, वो बात करने के बाद ही रखा भैया, लेकिन उनका कहना है कि चलो ठीक है तुम्हें सहयोग नहीं करना, मत करो, हम तो अपने हिसाब से ऐसे कर ले। ठीक है अभी करने दीजिए, धीरे धीरे वो भी आकलन करेंगे, फिर बड़ा फंक्शन करेंगे, फिर आप साथ बैठ के शिकायत करेंगे, देखो वो व्यक्ति आया है ना ऐसे ही चलाया, उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया, या फिर इस तरह से माहौल में बिहेव किया। अब वो चार शिकायत भी कर रहे हैं, फिर हम पूछ सकते हैं भैया सुखी हुए कि दुखी हुए, क्यों ना ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें सबके साथ सुख पूर्वक किया जा सके। जी 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 हाँ, और फिर भी अगर ये सब होने के बावजूद भी उनको इसी में अगर रस आ रहा भैया, तो फिर उनको अपन उनके उनके उस पे छोड़ सकते हैं कि भाई तुम्हें जैसा जीवन जीना है वैसा तुम जियो। छोड़ेंगे नहीं, देखिए वही जिम्मेदारी का भाव बना रखेंगे उनके प्रति, आकलन करते रहेंगे, जब भी अवसर मिलेगा ध्यान आकर्षण कराएंगे। और ये जो समझने के लिए कार्यक्रम देना है ये बहुत जरूरी है, अपने कुनबे में एक्सटेंडेड फैमिली में स्पष्ट कर दें कि ये मुझे कार्यक्रम दिखता है और मुझे सबके लिए यही कार्यक्रम दिखता है, क्योंकि हम सब साथ साथ सुखी होना चाहते हैं। जी, तो वो भी वर्कशॉप करें, समझे, आज नहीं समझे कल समझे। जी 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 भैया, हाँ मतलब जब भी ऐसी कोई बात आए तो हम अपनी बात को वापस वैसे रखें कि ये जो भी दुख आ रहा है, जो भी स्थितियां बन रही है, क्योंकि बिना समझ के हम कर रहे हैं और ये समझ का ये कार्यक्रम हो सकता है, हम उनके साथ सामने प्रपोजल रख दें, और बाकी हम अपना जो हमें जो समझ जगह बनाना पड़ता है कि भाई इससे आप निकलना चाहते हैं कि नहीं, इन तरह की समस्याओं से पूछ ले पहले आराम से। जी, निकलना चाहते हैं तो क्या कार्यक्रम है आपके पास बताइए, नहीं है तो हम देते हैं कार्यक्रम। जी ठीक बात जी भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, तो आज असाइनमेंट के रूप में ये जो जिम्मेदारी पूर्वक जीना है इसको थोड़ा हम फैला के देखें, है ना, कि जब भी मैं कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको मानवीय परंपरा तक जोड़ के देख पा रहा हूँ, तब मैं जिम्मेदारी पूर्वक जी रहा हूँ।